मॉनसून के विदाई की ओर बढ़ने के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर भी तकरीबन थम गया है और लोगों को मौसम के बदलने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि इस साल अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान गिरने लगेगा। इसके बाद नवंबर में सर्दी का एहसास होने लगेगा। दिवाली और छठ के दौरान ठंड का ठीक ठाक एहसास होने लगेगा। दिवाली और छठ दोनों ही त्यौहार नवंबर के पहले पखवाड़े के दौरान है। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार व शुक्रवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। इस दो दिन के बाद शनिवार व रविवार को हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ये मौसम की विदाई का ही असर है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में भी तेज या फिर मध्यम स्तर की बारिश के आसार नहीं है। बता दें कि बुधवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था। इस वजह से उमस भरी गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर समेत समूचे देश में मॉनसून विदाई की ओर है। यही वजह है कि आसमान में रोजाना बादल तो छा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पिछले 3 से 4 दिनों से उमस भरी गर्मी बनी हुई है। हालांकि सुबह और शाम मौसम सुहाना रहने लगा है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस साल अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान तापमान गिरने लगेगा। नवंबर में सर्दी का एहसास होने लगेगा। कपकपाती सर्दी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पड़ेगी। बता दें कि पिछले 2-3 सालों के दौरान गर्मी और सर्दी और बरसात तीनों मौसम ने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।